नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यू 24x7 में। इस समय की बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट तौर पे एक बड़ा एक्शन ले लिया है। रोहिंग्या मुसलमानों पर एक तरीके से कहेंगे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, और इस सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे बड़ा असर पश्चिम बंगाल पे हुआ है। इसीलिए हम आपको कहेंगे, थंबनेल में हमने लिखा इसीलिए कि पश्चिम बंगाल पर सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है। चुनाव से पहले ये रोहिंग्या मुसलमानों को देश से निकालने का आदेश गृह मंत्रालय के द्वारा जो पारित हुआ है, इससे स्पष्ट तौर पे ममता बनर्जी का वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। चलिए पूरी खबर की ओर बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि क्या रोहिंग्या मुसलमानों को अगर देश से निकाला जाए, ये देश के लिए हितकर है या अहित है? देश के लिए अहित, इसमें हित नहीं है। इस पर आपकी राय हम चाहेंगे और आपका समर्थन। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया क्या है वो जरूर लिखिए। आपको बता दें, म्यांमार से आए रोहिंग्याओं से जुड़े एक सवाल पर गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा कि जिस किसी शख्स के पास मुनासिब कागजात नहीं है, उन्हें वापस भेजने के नियम हैं। दरअसल बजट सत्र के दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा के सवाल पर राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने कहा कि इन्हीं नियमों के तहत 2014 और साल 2019 में सभी राज्यों को रोहिंग्याओं को वापस भेजने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। इधर बांग्लादेश में शिविरों में रह रहे म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों ने भी तख्ता पलट की निंदा की है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो संकेत मिल रहे हैं, म्यांमार में तख्ता पलट भी हुआ है और शरणार्थियों ने तख्ता पलट की निंदा की है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जो रोहिंग्याओं को संरक्षण दे रहे हैं, खासतौर से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में और हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी, ओवैसी की बात करें तो ओवैसी के कई विधायकों के पास फर्जी दस्तावेज बनाने के प्रकरण में नाम आए हैं, और कई रोहिंग्या मुसलमानों को जबरदस्ती भारत में नागरिकता दिलवाने की कई सबूत आए हैं, उन पर जांच चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूलों में एडमिशन करवाया गया है इनके द्वारा, विधायकों के द्वारा, ओवैसी के विधायकों के द्वारा, और यहां तक कि आधार कार्ड भी कुछ फर्जी बनवाए गए हैं। ममता बनर्जी ने CNRC अपने प्रदेश में खासतौर से लागू करने के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया था, और सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि अगर CNRC लागू होता है तो रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़कर वापस जाना पड़ेगा। क्या भारत में, जहां पे पहले से इतने सारे शरणार्थी हैं, पड़ोसी मुल्कों में जहां पे हिंदुओं के साथ कई हिंसा हो रहा है, कहीं मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उन शरणार्थियों की क्या कमी पड़ गई थी, या रोहिंग्याओं को भी भारत में संरक्षण दिया जाए? ऐसे कई सारे जगह हैं जहां पे रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, तो वहां के क्षेत्रीय जो कल्चर है, उस कल्चर का विनाश हो रहा है, उसमें शोषण हो रहा है और रोहिंग्या कल्चर का उद्भव हो रहा है। यह कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द रोहिंग्याओं को इस देश से निकाला जाए, वापस जो जहां से आए हैं उनको सुरक्षित भेजा जाए। अब उनका कहना है कि उनके पास लौटने का रास्ता और मुश्किल हो गया है। म्यांमार के रोहिंग्याओं का कहना है, क्योंकि तख्ता पलट हो गया है म्यांमार में। 2017 में म्यांमार की सेना 7 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया था। सोचिए, जिस देश के नागरिक है उस देश से इनको निकाल के फेंक दिया जाता है, और 7 लाख से अधिक रोहिंग्याओं को अगर भारत जैसे देश संरक्षण दे, तो सोचिए आप जिस कल्चर की बात करते हैं, ये वही वजह है जब ममता बनर्जी कहती है कि हमें भगवान राम से कोई मतलब नहीं है, कौन है श्री राम और जय श्री राम से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसी से स्पष्ट पता चलता है कि रोहिंग्या मुसलमानों का कल्चर हावी हो रहा है ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी पर रोहिंग्याओं का जो कल्चर हावी हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी पे नहीं हावी हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का बयान आया है। एक विधायक ने कह दिया कि राम भक्त चंदा मांगते समय दारू पीते हैं, चंदा मांग के उस चंदे से दारू पीते हैं। ये चीजें, इन सब चीजों के पीछे जो बैकग्राउंड में चल रहा है वो यही है। इस देश में सालों साल तक मुगलों का शासन रहा और मुगलों ने जीर्ण कर दिया यहाँ की संस्कृति को, और इसमें घुसा दिया अपना एक अलग संस्कृति को घुसाया। इन सब के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपना कल्चर घुसाया,
और अब रोहिंग्या घुस रहे हैं जबरदस्ती। रोहिंग्या मुसलमानों के या जो भी कहे पड़ोसी मुल्क से रोहिंग्याओं के अलावा और भी बहुत सारे बहुसंख्यक मुसलमान, या हम खास धर्म को टारगेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब बात हो देश की तो ये देश, हर देश का अपना एक कल्चर होता है, हर देश का अपना एक व्यवस्था होता है, उस ढांचा को पूरी तरीके से बिगाड़ने का काम करता है जब दूसरे देश का कोई भी जबरदस्ती घुसपैठ करे। अब आपको बता दें कि मंत्रालय ने बांग्लादेश में बौद्ध बहुल म्यांमार वापस भेजने के उत्सुक है। हालांकि कई बार किए गए प्रत्यावर्तन के प्रयास विफल हुआ है, क्योंकि रोहिंग्या हिंसा से डर से वापस जाना नहीं चाहते, यानी कि म्यांमार जहां से वो आए हैं वहां पे हिंसा बहुत ज्यादा है। एक प्रश्न और है, मैं आपके सामने लिखूंगा बोलूंगा, पहले तो आप यह सुनिए कि मंत्रालय ने कहा है कि निर्वासन प्रत्यार्पण नियम के तहत अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या को वापस भेजने का आदेश दिया गया है। रोहिंग्या वापस जाएं। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या से जुड़े एक और सवाल में गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा कि रोहिंग्या उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और केरल में अवैध रूप से रह रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि इनके पास कोई भी वैध कागजात नहीं है। अब आइए उस प्रश्न पर जिस प्रश्न की हम बात अभी कर रहे थे कि जब म्यांमार से 8-10 लाख जो भी रोहिंग्याओं की संख्या हो उनको भगाया गया, वो पड़ोसी मुल्कों में जाके संरक्षण लिए। एक पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान से भी कुछ मुस्लिम समुदाय को भगाया जाता है, पाकिस्तान से वो जाके भारत में संरक्षण लेते हैं। प्रश्न ये उठता है कि तमाम जो मुस्लिमों के पैरोकार हैं, या जिनकी बात करें कि जो इस धर्म के पैरोकारी करते हैं पूरे विश्व में, तमाम जो देश हैं इस्लामिक राष्ट्र हैं, वो इस्लामिक राष्ट्र क्या उस वक्त पाकिस्तान और म्यांमार पे प्रश्न चिन्ह उठाए कि म्यांमार की औकात कैसे हुई कि वहां के रहने वाले नागरिकों का निर्वासन कर दिया, वहां से खेद दिया, और पाकिस्तान जो सिर्फ इसी आधार पर भारत से अलग हुआ था कि भारत हिंदू राष्ट्र हो या हिंदू राष्ट्र नहीं भी हो, पाकिस्तान मुसलमानों का एक अलग देश बने। जब आपका अलगाव यानी कि आपके उद्भव का, आपके उद्भव की शुरुआत ही सिर्फ और सिर्फ धर्म विशेष से है, ऐसे में भारत क्यों आपके देश के लोगों को संरक्षण दे? क्या भारत के लोगों को यहां पे अधिकार नहीं है? इसीलिए सीएनआरसी लाया गया। सीएनआरसी लाने के बाद स्पष्ट तौर से कहा गया कि हम किसी हिंदू के लिए सीएनआरसी नहीं ला रहे हैं, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पड़ोसी मुल्क के ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग भाग के हमारे देश में शरण लेते हैं, जिससे हमारे देश के कल्चर, हमारे देश की व्यवस्था, हर चीज को समस्या हो रही है, तो हम संरक्षण तो देंगे लेकिन ऐसे लोगों को देंगे जो वहां पे शोषण जिनका हो रहा है, यानी कि वहां पे अल्पसंख्यक हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, इनका शोषण हो रहा है, इनको संरक्षण देंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों को भी भारत संरक्षण दे। अगर भारत पाकिस्तान के मुसलमानों को भी संरक्षण देता है तो उस शर्त पे पाकिस्तान को भारत में विलय कर देना चाहिए अपने आप को, क्योंकि मुसलमानों के नाम पे ही पाकिस्तान अलग हुआ था और अब आप मुसलमानों का ही संरक्षण भारत में करना चाहते हैं। यह तमाम प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल जो भी सरकार का जो निर्णय है, हमें लगता है कि आप उस निर्णय से खुश होंगे, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि वाकई में इस देश में जिसका कल्चर है और जिसकी आवश्यकता है उसी को संरक्षण दिया जाए। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और हमारे देश में अतिथि देवो भव सबका स्वागत है, लेकिन हम ऐसे लोगों को स्वागत इतना भी ज्यादा नहीं करेंगे कि हमारा खुद का अस्तित्व खतरे में आ जाए। जुड़े रहिए ओनली न्यूज 24 एक्स7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।